ओम शांति। 28 अक्टूबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। भोला नाथ शिव बाबा एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरता है। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। नंबर 2। जो परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं पहचानते हैं वह भूले करते हैं और परमात्मा को सच सच बताते भी नहीं हैं। ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ही जब धर्मराज के रूप में होगा तो सजाएं हमें मिलेंगी, हम कुछ भी छिपा नहीं सकेंगे। बहुत अच्छी टेक्निक है अपनी सजाओं को कम करने की, वो है सच्चे शिव बाबा को सब कुछ सच सच सुना दो। नंबर 3। शिव और शंकर दोनों में महान अंतर है। शिव है निराकार ज्योति स्वरूप सर्व आत्माओं का पिता, भोला भंडारी जो हमारे से विकार लेकर के हमें सद्गुण प्रदान करता है जिसे ज्ञान का सागर कहा जाता है। और शंकर जी विनाशकारी देवता कहलाए जाते हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर बैठ के कहते हैं तपस्या की थी। नंबर 4। परमात्मा जो है वो हमारा पारलौकिक पिता है जो ब्रह्मा तन में अवतरित हुआ है। परलोक न स्वर्ग को कहते हैं न नरक को कहते हैं। परलोक माना परे ते परे का लोक, यानी आकाश तारागण से भी पार बहुत ऊंचा जहां आत्माएं भी निवास करती, इसलिए उसे परलोक कहा गया। वही परमपिता परमात्मा रहते हैं। नंबर 5। हम सब जो कुछ आया सो बोल देते, कभी परमात्मा को सर्वव्यापी बोल देते, कभी कहते कुछ कभी कुछ। बुद्धि का ताला ही बंद था, बाप ने आकर के हमें जगाया है, हम तो सोए हुए थे। अब बाबा कहते मुझे याद करो। नंबर 6। परमात्मा शिव कल्याणकारी, जब वो हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमें उन्हें बहुत याद करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या देखी कि 5 मिनट भी कई बच्चे याद नहीं करते हैं। तब कहते हैं ओह मम माया, मैं बच्चों को बुद्धि का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में जाते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता। नंबर 7। परमात्मा को हम कभी ठग नहीं सकते हैं। हम परमात्मा के लिए समय नहीं निकालते हैं, कहते हैं समय नहीं है। जहाँ हमारा लगाव या स्नेह या जिस काम में भी इंटरेस्ट होता है उसमें हमारा समय निकल जाता है, तो परमात्मा कहते हैं किसके साथ ठगी करते हो, मेरे साथ तो ठगी चल ना सके, यह तो तुम अपने साथ ही ठगी करते हो। नंबर 8। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु जब तुम्हारे दिनचर्या शुरू हो जाती है, चाय पीते हो और काम करते हो, गांव में आते जाते एक दूसरे को मिलते हो, तो जो भगवान से की हुई बातें उसका नशा उतर जाता है, क्योंकि दिन भर में रिपीट नहीं करते हो। नंबर 9। भले हमें शिव बाबा कितना ही अच्छा लगता है, कितना ही सुख देता है, फिर भी हमने घर परिवार छोड़ना नहीं है। घर में रहते हैं, बाल बच्चे संभालने हैं, शिव बाबा को भी याद करना है, सेवाएं भी करनी है, लेकिन घर परिवार संभालते हुए। नंबर 10। कई कई तो यहाँ पर मूर्खों के भी अवतार हैं, परम पिता परमात्मा उसको ही छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम आपस में भले एक दूसरे से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, वह तो तुमको राज्य भाग्य देता है। दूसरों की याद में आंसू बहाते हैं जहाँ लगाव होता है, कभी परमात्म प्यार में आंसू बहा के देखो कितना सुख आता है। अच्छा, आज का वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एकरस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल यानी एकरस है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना
यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। और आज का स्वमान, मैं उमंग उत्साह से भरपूर हूँ।